डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का इर्थ लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स में पूछा है की नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट कौन सी नहीं है तो ये आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड में डिफाइन किया गया है ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट और जो एम टेन से एम ट्वेंटी तक है वो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट है उसके आगे की जो है वो स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट और हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट है आई एस कोड में जो यूनिट ली गई है वो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ली गई है यहाँ पर जो यूनिट ली गई है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली गई है तो वन न्यूटन पर एमएम इक्वल होता है टेन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के तो इसलिए ये एम टेन एम फिफ्टीन इनकी जगह एम हंड्रेड एम वन फिफ्टी वगैरह आ रहा है तो ए सी और बी ये तो कॉन्क्रीट है डी और ई e दोनों ही स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट है काफी जगह इसका आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन ए एम फोर हंड्रेड बट एम टू फिफ्टी भी होगा क्योंकि ट्वेंटी तक ही है ऑर्डनरी कंक्रीट नेक्स्ट है क्वेश्चन वन जीरो सेवन क्वेश्चन वन जीरो सेवन में पूछा है कि ऑर्डनरी कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड है वो कितना होगा तो ये आपको याद रखना है एक अप्रोक्सीमेट मेथड होता है वाटर रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने का थर्टी परसेंट ऑफ वेट ऑफ सीमेंट होता है टेन परसेंट फाइन एग्रीगेट्स का वेट होता है और वन परसेंट है वो का लेते हैं। इस तरीके से हम टोटल कितना रिक्वायर्ड वाटर होगा वो कैलकुलेट करते हैं Questions में जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें दिया गया है थर्टी परसेंट ऑफ वेट ऑफ सीमेंट यहाँ पर फाइव परसेंट ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट्स दिया है बट मैं नहीं किया ये कौन से टाइप के एग्रीगेट्स की बात हो रही है तो चारों ऑप्शंस में देखें तो आंसर की जो सबसे क्लोज है वो ऑप्शन सी है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट है क्वेश्चन 107 क्वेश्चन 107 में पूछा है कि नीचे डिफरेंट प्रोपोर्शंस दिए गए हैं इंग्रेडिएंट्स के इसमें आर्बिट्री मेथड से कौन सा प्रोपोर्शन है वो मैच नहीं कर रहा है तो आर्बिट्री मेथड से ये इतने टाइप की कंक्रीट हम डिजाइन कर सकते हैं इसमें प्रोपोर्शन होगा फर्स्ट है वो सीमेंट है वन यहां पे सीमेंट है फाइव फाइन एग्रीगेट है 10 कोर्स एग्रीगेट है तो One ratio, one ratio, two यहां पर दिया गया है एम ट्वेंटी फाइव में वन रेस्यू टू रेस्यू फोर यहाँ पर दिया गया है एम फिफ्टीन में ऑप्शन सी और डी में जो प्रोपोर्शन दिए गए हैं ये आर्बिट्री मेथड के जो हैं उनमें नहीं अवेलेबल है आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों ही हो सकते हैं आंसर की में जो आंसर दिया है बुक में वेबसाइट्स पे वो ऑप्शन सी दिया गया है बट दोनों ही है वो रॉन्ग है यहाँ पे सी और डी तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन वन जीरो नाइन कोर्स एग्रीकेट है उसका फाइनेस मॉडल एक्स है और उनको हम एक प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हैं तो जो रिजल्ट कम्बाइंड एग्रीकेट उसका फाइनेंस मॉडल है जेड हमसे पूछे की फाइन एग्रीकेट टू कम्बाइंड एग्रीकेट का परसेंटेज है वो कितना होगा यहाँ पे एक मिस्टेक है फाइन एग्रीकेट टू कम्बाइंड एग्रीकेट का परसेंटेज कैल्कुलेट करोगे तो ऑप्शन में दिया ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो ऑप्शन दिए हैं ये फाइन एग्रीगेट अपॉन कोर्स एग्रीगेट के अकॉर्डिंग दिए अगर वो कैलकुलेट करोगे तो ये फिर आंसर मैच करेगा तो हम एक बार देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये फाइन एग्रीगेट है जिसका फाइनेस मॉडल वाई है कोर्स एग्रीगेट एक्स है और कंबाइंड का जेड है क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट है वो अगर पी है कोर्स एग्रीगेटर हंड्रेड माइनस पी होगा टोटल हमने हंड्रेड के कंबाइंड एग्रीगेट बनाना है

तो ये ऑप्शन में नहीं है तो हम कोर्स एग्रीगेट का कैलकुलेट करते हैं तो हंड्रेड माइनस पी होगी इसकी क्वांटिटी और इसको सोल्व करोगे पी की वैल्यू यहां से नीचे रखोगे यहां पर तो आएगा वाई माइनस जेड अपॉन वाई माइनस एक्स इन हंड्रेड तो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट निकालने के लिए इनका रेशियो लेंगे और हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो लिया इसमें ये कैंसिल हो गया वाई माइनस जेड से से क्या ये अवेलेबल है तो ऑप्शन ई e में ये एज इट इज दिया गया है जेड माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस जेड इंटू हंड्रेड तो यहाँ पे करना है आपको कंबाइंड की जगह कोस एग्रीगेट तो आंसर ऑप्शन ई होगा C और D में तो पॉजिटिव वाली टर्म आ रही है तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा पी में जो वाई लिया वो स्मॉल लिया है तो इसलिए गलत हो गया बी की अगर बात करेंगे बी और ई e सेम ही है यहाँ पर अगर आप माइनस बाहर लोगे तो ये माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर नीचे माइनस बाहर लोगे तो वाई माइनस जेड आ जाएगा तो सेम एज इट इज जैसा ऑप्शन ई e है वैसा ही बन जाएगा आंसर की मैं आई थिंक ऑप्शन ए दिया है बट सेम ही है दोनों नेक्स्ट है क्वेश्चन वन हंड्रेड टेन क्वेश्चन में सेम वो चीज है जो क्वेश्चन वन जीरो सेवन में मैंने मैंशन किया था वहां पर कि वाटर रिक्वायर्ड होता है वो थर्टी परसेंट होता है सीमेंट का तो यहां पर पीके जी है वो सीमेंट है तो इसका थर्टी परसेंट जो फाइन एग्रीगेट है उसका यहां पर वेट है वाई तो वाई इंटू टेन अपॉइन हंड्रेड प्लस जेड कोर्स एग्रीगेट है इसका वन अपॉइन हंड्रेड हो गया ये टोटल वाटर रिक्वायर्ड है और इसमें दूसरा हमें वाटर जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो भी दिया गया है तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर डब्लू अपॉइन सी है तो वाटर रिक्वायर्ड होगा डब्लू अपॉन सी इंटू सीमेंट की क्वांटिटी सीमेंट की क्वांटिटी है पी तो ये टोटल वाटर रिक्वायर्ड इक्वल हो जाएगा P के, इसको यहाँ पे लिखेंगे जीरो वन जेड शुड बी इक्वल टू डब्लू सी अपॉन पी डब्लू सी मल्टीप्लाई बाई पी तो, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है क्वेश्चन 111 क्वेश्चन 111 में जो 110 में फॉर्मुला लिखा है इक्वेशन है उसी पे बेस्ट है जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है अज्यूम किया यहाँ पे वेट ऑफ सीमेंट है वो पी के है ये हमें नहीं दिया गया है फाइन एग्रीगेट का वेट दिया गया फिफ्टी के जी फोर से हंड्रेड के जी ये गिवन है तो वाटर रिक्वायर्ड हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री पी फाइन एग्रीगेट के अकॉर्डिंग वाटर रिक्वायर्ड हो जाएगा इसका टेन परसेंट तो फिफ्टी का टेन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो फाइव के जी आ गया हंड्रेड के जी का वन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो वन के जी आ गया इन सबको हमने ऐड कर दिया दिस शुड बी इक्वल टू डब्लू सी इन टू पर जीरो पॉइंट सिक्स और जो वेट ऑफ सीमेंट है वो है पी तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट ऑफ सीमेंट जो पी के जी है इससे तो ये वाटर रिक्वायर्ड आ गया ये इक्वल होगा ऊपर वाले ये तो इस तरीके से पी आ जाएगा ट्वेंटी के जी तो ट्वेंटी के जी सीमेंट होगी डब्ल्यू सी रेशियो है वो जीरो पॉइंट सिक्स है तो जीरो पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी के जी तो ट्वेल्व के जी होगा वाटर रिक्वायर्ड होगा वो तो ट्वेल्व के जी यहां पर दिया गया है ऑप्शन डी में सॉरी बी में तो ये हो गया जाएगा बी आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन वन हंड्रेड ट्वेल्व क्वेश्चन वन हंड्रेड ट्वेल्व में बोला है कि जो मेथड होता है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड ऑफ होल्ड उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा वहाँ पे एज्पस लेते हैं तो ये सारे ही उस मेथड के है यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो कोर्स एग्रीगेट्स के वर्ड्स हैं वो फाइन एग्रीगेट फिल कर रहे हैं और फाइन एग्रीगेट के अंदर जो स्मॉल वर्ड होंगे वो सीमेंट पेस्ट है वो फिल कर रहे है। तो जो फाइन एग्रीगेट हम लेंगे वो कोर्स एग्रीगेट में जितना वर्ड्स बन रहे हैं उसका टेन एक्स्ट्रा लेंगे और जो सीमेंट पेस्ट लेंगे वो फाइन एग्रीगेट्स में जितने वर्ड बन रहे हैं उसका फिफ्टीन एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई e, नेक्स्ट है क्वेश्चन 113 क्वेश्चन 113 में पूछा है कि एम ट्वेंटी का कॉन्क्रीट अगर बनाना है तो डिफरेंट इनग्रीडियंट्स है उनका रेशियो क्या होगा किस पर पोर्सन में लेंगे तो एक तो एम ट्वेंटी है किसी को 200 का कंफ्यूजन हो सकता है ये जो इस बुक में है कुछ बुक्स में वेबसाइट्स में केसी पर सेंटीमीटर से स्क्वायर में यूनिट्स ली गई है तो आर्बिट्री मेथड की बात हो रही है तो अब इसलिए एम ट्वेंटी फाइव तक की कॉन्क्रीट वहां पर बन पाती है उस मेथड से तो के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको न्यूटन पर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये एम ट्वेंटी होगा मतलब इसकी बात हो रही है तो इसका रेशियो होता है वन 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 तो यहां पर ये हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट कुछ बुक्स में वेबसाइट्स में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको उसमें मिस्टेक है वन वन प्रेशियो, वन प्रेशियो, वन प्रेशियो, लिखा हुआ है तो ये टू नहीं होगा यहाँ पे थ्री होगा वन सीमेंट है फाइव कोर्स एग्रीगेट है सॉरी फाइन एग्रीगेट्स है और टेन है वो कोर्स एक्ट है और ये आपको टेबल पूरा याद रखना है काफी बार इससे वैल्यूस पूछ ली जाती हैं आसान है याद रखना फाइव टेन फोर एट थ्री सिक्स जस्ट डिक्रीज होता जा है फिर यहां पे ये इसका डबल हो रहा है एम ट्वेंटी और एम ट्वेंटी फाइव में भी टू रेसि फोर आ रहा है फिर पॉइंट फाइव कम किया फिर अगेन पॉइंट फाइव कम किया नेक्स्ट क्वेश्चन 114, 114 में M 100 का पूछा गया है तो M 10 होता है one ratio three ratio six, ये यहाँ पे दिया गया है तो ये M 10 मतलब M 100, ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन 115, 115 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है तो यहाँ पर मिस्टेक है एक आंसर में काफी जगह आपको इसका आंसर ऑप्शन ई मिलेगा अगर इन स्टेटमेंट्स को आप रीड आउट करो थोड़ा सा भी आपको बल्किंग का आइडिया तो आपको 100 परसेंट श्योर होगा कि बल्किंग ऑफ सैंड है वो डिपेंड करता है फाइननेस ऑफ ग्रेन पे जितने ज्यादा फाइन होगी सैंड उतनी ज्यादा बल्किंग होगी उसमें क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा होंगे सरफेस एरिया ज्यादा होगा और उसके कारण बल्किंग ज्यादा होगी तो सी एप्सिलिटी करेक्ट है तो ऑल ऑफ द बोथ हो नहीं सकता और ए आप देखो तो आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया तो आपको पता होगा कि वाटर जैसे जैसे हम ऐड करते हैं वर्कबिलिटी इंक्रीज होती है और इसने अपोजिट स्टेटमेंट दिया है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स डिक्रीजेस विथ एन इनक्रीज इन द मोइर कंटेंट तो यहां पर आंसर है वो आंसर ए होगा ऑप्शन ए ई नहीं होगा और एक तो आर्बिट्री मेथड से हम डिजाइन करते हैं कंक्रीट में जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं और अगर हम टेस्ट करके डिजाइन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कंक्रीट तो ऑप्शन ए यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट है क्वेश्चन वन हंड्रेड सिक्सटीन 116 में पूछा है कि श्रिंकेज इन हो रहा है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं तो जो कैपिलरी वाटर है सीमेंट में वो धीरे धीरे ओपोरेट होता है और उसके कारण कॉन्क्रीट है वो श्रिंक होती है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है उसके कारण आते हैं तो श्रिंकेज को हम कम कर सकते हैं अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम रखे वाटर कम एड किया गया हो मिक्स प्रॉपर किया गया हो सीमेंट कम हो कॉन्क्रीट में और एग्रिकेट है वो प्री सेचुरेटेड है मतलब वो जो कॉन्क्रीट है उसमें से एग्रीकेट्स एब्जॉर्व नहीं करेंगे वाटर तो श्रिंकेज नहीं होगा तो ऑप्शन ई e यहां पर आंसर हो जाएगा Next है क्वेश्चन 117, क्वेश्चन 117 में पूछा है कि 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ मास कंक्रीट जो कि हम डैम वगैरह यूज कर रहे हैं ग्रेविटी डैम में उसमें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीकेट्स है वो 5 सेंटीमीटर है तो उसकी 28 डेज स्ट्रेंथ क्या होगी तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा ड्रेड के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपको याद रखना है यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन वन क्वेश्चन 118 में पूछा है कि एयर एंट्रेंड कॉन्क्रीट डिजाइन करने के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है तो सारे स्टेटमेंट ट्रू है आंसर ऑप्शन ई होगा ऑल ऑफ जब एयर एंट्रेंड कॉन्क्रीट हम बना रहे हैं तो वहां पर बबल्स होंगी जिनके कारण वर्केबिलिटी इंप्रूव होगी इस केस में हम कम वाटर एज एड करके भी कम वाटर सीमेंट रेशियो रख के भी अच्छी वर्केबल कॉन्क्रीट बना सकते हैं तो एट है ऑफ है है वो भी रिड्यूस होता है। और एंट्रेंट एयर वहां पर होगी तो उसके लिए हमें अलाउंस देने है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी डी है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है वो रिड्यूस होता है बेसिकली पर्पज एयर एंट्रेंट कॉन्क्रीट का ये है कि फ्रीजिंग और थाविंग के अगेंस्ट उसकी जो कैपेसिटीज होती है ड्यूरेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है बट उसकी स्ट्रेंथ है वो होती है क्योंकि एयर की बबल्स है और उनकी स्ट्रेंथ जितना सीमेंट पेस्ट ये की स्ट्रेंथ हो रही थी, उतनी नहीं होगी तो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखने एयर एंट्रेंट कॉन्क्रीट के रिगार्डिंग नेक्स्ट है question 119. Question 119 में पूछा है कि आइडियल वेयर हाउस होगा वो क्या होगा तो उसकी वॉल्स है वाटर प्रूफ होनी चाहिए रूफ भी वाटरप्रूफ होनी चाहिए सीमेंट के लिए मॉइस्चर है वो बहुत डेंजरस है उसकी स्ट्रेंथ बहुत डिक्रीज हो जाती है अगर वो मॉइस्चर अब कर लेती है और तो उसमें विंडोज भी कम होनी चाहिए जो कि जोरली क्लोज होने चाहिए कॉन्क्रीट फ्लोर भी होना चाहिए उसमें सेंटीमीटर थिक और ये सब कुछ दिया गया है ये कोड है एक आई एस फोर जीरो एट टू नाइनटीन नाइनटी सिक्स कोड का टाइटल है ऑप्शन ई यहाँ पर आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी क्वेश्चन 120 में पूछा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है तो सेम पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कोड मेंशन किया, उसमें दिया गया है सारा सीमेंट को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं तो उसमें दिया गया है कि जो सीमेंट जो स्टोर कर रहे हैं उसकी जो एक्सटीरियर वॉल है वेयर हाउस की उसके और बैक स्पाइस के बीच में सिक्सटी सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए कम से कम कोड में आपको मिल जाएगा 600 और 60 cm और इसमें इस तरीके से रखा जाता है कि एक पाइल है वो दूसरी पाइल के जस्ट पास में आ रही हो ताकि उसमें मॉइस्चर मॉइस्टर कम हो रहा है इसने यहां पर बोला है कि प्लेस द बैक्स ऑफ वन लेयर नॉट टच द द बैक्स ऑफ एडजेसेंट लेयर तो ऐसा नहीं है ये पास पास रखी जाती है तो सी गलत हो गया बी करेक्ट है ए गलत हो गया क्योंकि सेंटीमीटर होता है काफी बुक्स में थर्टी सेंटीमीटर को करेक्ट बताया गया है बट कोड के अकॉर्डिंग तो यही है सेंटीमीटर होना डी में दिया है कि एंड हाइट ऑफ फाइल्स शुड नॉट एक्सीड तो एंडल्स मीटर तो. तो दिया गया है का तो बट हाइट का ये है कि टेन बैग्स हम रख सकते हैं मैक्सिमम और एक बैग की हाइट होती है वो जीरो पॉइंट वन एट मीटर के आसपास होती है तो वन पॉइंट एट मीटर होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट जो अलाउड है।, है तो ये मुझे गलत लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आंसर की में इसका आंसर आपको काफी जगह कुछ डिफरेंट मिलेगा बट आई एस कोड है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी ही करेक्ट है तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट